दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ थंबनेल में, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं बारी बारी से। अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे कोई इन्फॉर्मेशन कोई भर्ती आप कैसा निकलना जाए, कोई सोचना है आप कैसा छूटना जाए, तो आप चैनल को जरूर जरूर है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे UP SSC की तरफ से जो है पैट एग्जाम होने जा रहा है, तो वहाँ पर जो है बहुत से बच्चे परेशान है कि मतलब बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। पिछली बार हमने देखा बच्चे ट्रेन में लटक के आए, ऊपर चढ़ के आए, उन्होंने कहा सर पता नहीं क्या होगा। उनके लिए खुशखबरी ये आ चुकी है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो UP रोडवेज जो करेगा PET के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन, टेंशन बिल्कुल खत्म, संचालन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है 28 और 29 अक्टूबर को जो आयोजित हो रही है प्रारंभिक परीक्षा जो है, यहाँ पर लगभग 174,000 अभ्यर्थी इसमें जो इसमें आवागमन इधर से उधर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस अतिरिक्त बस जो इसमें चलाई गई है, और यहाँ पर भी जो है बता दिया गया 58,000 से अधिक जो है यहाँ पर गाजीपुर से और जो परीक्षा देने के लिए जो प्रयागराज आएंगे कम से 58,000 अभ्यर्थी। 58,000 बहुत होते हैं भाई। और साथ में जिनका अगर एग्जाम लखनऊ में है तो उनके लिए भैया टेंशन, क्योंकि 38 सेंटर इसमें जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। आप देख लीजिए एडमिट कार्ड आपका जो है, ये आपका जो अगर उस क्षेत्र में अगर होगा तो ठीक है, नहीं 38 सेंटर तो वैसे PET के जो है वो निरस्त हो चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट आपने देखा मैच है इसलिए यहाँ पर जो है पैट का 38 सेंटर को वो निरस्त कर दिया गया लखनऊ के अंतर्गत। साथ में यदि आप जो है गवर्नमेंट चौकीदार बनना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो है पद का नाम चौकीदार, पदों की संख्या 226 है ना, ये आपका जनरल का है, ये आपका आपने देखा अनुसूचित जनजाति का है ये, और यहाँ पे अनुसूचित जाति का मतलब आपका SC OBC है ना, EWS सभी का जो है चौकीदार के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। ये फॉर्म जो है आपको इस तरीके का आपको जो है मिलेगा फॉर्म, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अभी डेट अभी लास्ट डेट इसमें दिया हुआ है, और जो है ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये वाला फॉर्म आप जो है भर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये वेतनमान कितना मिलेगा आपको, वेतनमान इतना मिलेगा आपको, ठीक है, चौकीदार की नियुक्ति के लिए। अब मैं आपको जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ चौकीदार की जो है ये, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आप इसमें अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सितंबर की दिखा रहा हूँ मैं सैलरी स्लिप। यहाँ पर पद का नाम क्या है, वॉचमैन, ठीक है, वॉचमैन की सैलरी स्लिप कितनी मिलती है ये, तो आप नीचे आएंगे और नीचे आके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है अमाउंट इनका जो है इतना बनता है। आप देख सकते हैं स्वयं जो है एक वॉचमैन अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको पता है आप जो है महंगाई भत्ता 42 से बढ़ा के जो है वो 46 हो गया, ठीक है, 4% बढ़ गया है, बल्ले बल्ले आ गई इनकी सैलरी, इतनी इनको मिलना स्टार्ट हो चुकी है जो ये। और जो है टेंशन की नौकरी आप खत्म, कहना मतलब क्या, आउटसोर्सिंग जो है पूरी तरीके से इसको बंद करके सरकारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आउटसोर्सिंग क्या है, प्रदेश सरकार जो जल्द ही जो है लाएगी आउटसोर्सिंग की नीति। आउटसोर्सिंग की नीति क्या है, इसमें जो आपने देखा हुआ टाइम से सैलरी पे मिलता नहीं है, काम उल्टा सीधा करवाते हैं, 8 घंटे के काम की जगह 10 घंटे करवाते हैं, 12-12 घंटे काम कराते हैं, उसके लिए जो है सरकार जो है इसको ये लेके आएगी, ठीक है, आपने देखा हुआ यहाँ पर आउटसोर्सिंग नीति लेके आएगी यहाँ पर। और तो और यहाँ पर बताया गया इसमें जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जो शोषण से मिलेगी मुक्ति। अब इनमें समूह गए और गए के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा जूम कर दूँ मैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया समूह गए और गए के पदों पर जो रिक्तियों के सापेक्ष में मेरिट के बिना साक्षात्कार इसमें होगा चयन। तो यहाँ पर बताया गया यहाँ पर जो है चयन होगा, कहना मतलब क्या है, आपने देखा ले दे भर्तियाँ होती हैं इसमें जो आउटसोर्सिंग भर्तियों पर आप शोषण। और तो और ये खबर कोई और प्रदेश की नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश की लखनऊ की खबर है ये, यहाँ पर बता दिया गया यहाँ पर शोषण से मुक्ति मिल जाएगी और जल्द, यहाँ पर लिखा हुआ कैबिनेट भी लिखा हुआ, अभी ऐसी बात नहीं है आप भी पढ़ सकते हैं, अनपढ़ नहीं है आप, यहाँ पर लिखा हुआ जल्द जो है इसमें जल्द ही जो है इसमें जाएगी कैबिनेट से स्वीकृति, जल्द इसमें जैसी हमारी कैबिनेट से इसको भेज दिया गया है, अब जैसी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी वैसे इसमें जो है स्टार्ट हो जाएंगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, नाम केवल आप संविदा होंगे, आउटसोर्सिंग बाकी शोषण से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा जो है प्लान बनाया जा रहा है खासतौर से ग्रुप सी और ग्रुप डी की। यहाँ पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेंशन बिल्कुल फ्री रहिएगा और नौकरी करिएगा। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि लघु सिंचाई विभाग में जो है मेरा जो इंटरव्यू 26 अक्टूबर को जो है लखनऊ में बताने के लिए, भर्ती बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देख लीजिए कमेंट करते हैं 27 मिनट पहले का कमेंट है ये मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप ये जो है। और तो और चाहे क्लर्क भर्ती हुई या भी चपरासी भर्ती हुई संविदा वाली, तो यहाँ पर देखा हो यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो है 55,000 रुपये जो है मांगे जा रहे हैं, तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इस वाली वीडियो आप देख सकते हैं कमेंट कराया हुआ ये, पैसे देने की किसी को जरूरत नहीं है भाई,
और तो और मैं तो ये चाहता हूँ भाई, देखो जितनी भर्ती फटी हुई है वो बहुत टेंशन में है। एक तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है और दूसरी छोकरी नहीं मिल रही है। मतलब नौकरी जब मिलेगी तभी छोकरी मिलेगी ना। और यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ जो है पुरानी क्लर्क भर्ती के न्यूज़ बताइए, एक साल हो गया लड़कों की शादी जो है अटकी हुई है। कहने मतलब कि सही बात है, यहाँ पर लिखा हुआ कि लड़कों की शादी जो है भाई अभी जो है लटकी हुई है। अब सही बात है, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है, मेरा शादी तो खैर हो गया है, मेरा शादी हो चुका है, पर यहाँ पर लिखा हुआ भाई यही जो है मेरी हालत है, यहाँ पर लिखा तो मेरी शादी अटकी हुई है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आपको छोकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी और शादी बहुत बढ़िया होगी। और तो और कुछ बच्चे जो हैं हमेशा कमेंट करते रहते हैं पता नौकरी कहाँ मिल रही है। देखो पहले ये भाई साहब जो कमेंट करते थे है ना, अभी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो भैया देखो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा इस वाली वीडियो पे। अलीगढ़ ज़िले की जो चपरासी भर्ती का आज मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो है अभी दो दिन ये अभी पीछे कुछ मतलब कुछ दिन पहले कमेंट किया था, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पर कमेंट किया था। अगर देख रहे हैं दोबारा तो दोबारा कमेंट कर दीजिएगा, मेरा वीडियो देख के इनको नौकरी मिल गया था, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तो और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि 24 तारीख को जो इंटरव्यू के लिए आईडी पर मेल आ रहा है। अगर किसी के पास प्यन भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा तो आपने मेल आईडी चेक करते रहिएगा, मेल आईडी पे जो है चपरासी भर्ती के जो है कॉल आ रहे हैं, आप जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। और मैं देखा क्लर्क भर्ती में जो है बहुतों के पेमेंट फंस चुके हैं, इसलिए कि मतलब किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, और जो है क्लर्क भर्ती में जो है पैसे फंस चुके हैं और टेंशन उनसे पैसे आप ले लीजिएगा। भर्ती कब की मारे काबू कुछ पता नहीं, इलेक्शन से पहले होने की उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है, पर देखते हैं कि भाई सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है क्या नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। देखो भाई बीएड वालों को खुशखबरी क्या है, ये आपने देखा होगा ये 10 अक्टूबर का लेटर है, ये बीएड वालों को जो है प्राइमरी भर्ती में वो शामिल किया जाए, साथ में जो ब्रिज कोर्स कराया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं तो बीएड वालों को खुशखबरी यही है कि आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिएगा, हो सकता है कि जो इलेक्शन को देखते हुए जो है फैसला लिया जाए, ये और 100% जो है वो फैसला लिया भी जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो 16 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, और जो डिप्टी सीएमजी को जो है ये लेटर सौंप रहे हैं, और ये बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो उन्होंने कहा है कि जो इस भर्ती को रद्द करके जो है दोबारा जो एक तरीके से इसमें लिखा हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला, यहाँ पर ट्रेंडिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो घोटाला हुआ था बहुत से लोग लग चुके हैं। अब इसमें एक जो 6800 वाला केस चल रहा है आरक्षण भर्ती वाला, प्राइमरी भर्ती में जो बीएड वाले शामिल हैं तो इनको निकाला जाए, डीएड वाले अंदर जाएंगे, इस तरीके से ये कमेंट कर रहे हैं। और लेटर भी जो है डिप्टी सीएमजी को सौंप दिया, आप देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। बात करेंगे जो इसमें जो अल्पसंख्यक कॉलेज के अंतर्गत, अल्पसंख्यक कॉलेज के अंतर्गत जो है ये भर्ती की शिकायतें लगातार सीएमजी के पास आ रही हैं, ले देखे भर्तियां हो रही हैं। इसमें जो कृष्ण इंटर कॉलेज हो गया, सियाराम कॉलेज हो गया, प्रोफेसर के जो आपने जो है अभी अभी बता रहे हैं वर्धमान कॉलेज है, बाबा कृष्ण कॉलेज लखनऊ है, ये यहाँ पर जो है आपके प्रबंधक हो गया, क्लर्क होगी, भर्ती निकाली गई थी पीछे मैंने आपने, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते तो आप देखा होगा कृष्ण कॉलेज हो गया और साथ में ये लखनऊ कॉलेज होगा, ये सारे के सारे जो है ये इनको जो परमिशन दे दिया गया था, मतलब कोर्ट से जो है 5 कॉलेज परमिशन मिला था वो यही कॉलेज हैं। तो अल्पसंख्यक कॉलेज में धांधली खूब चल रही है और धड़ाधड़ से भर्तियां हो रही हैं, तो अल्पसंख्यक कॉलेज में जो है सीएमजी को शिकायत कर रहे हैं, यहां पर जो है ये प्रसिद्ध स्कूलों में आप निरीक्षण से गायब ने 9000 शिक्षक नोटिस जारी, यहां पर भी जारी कर दिया गया है। ये अगर आप हमारे चैनल पर कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस, थैंक यू वेरी मच।